हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये क्लिप से लिथियम ईस्पोर्ट्स के एक रीसेंट टूर्नामेंट की। मैप था कालाहारी का और हमारे तनेजा भाई के हाथ में थी ग्रेनेड लॉन्चर। वो कैसे लॉन्चर से डोमिनेट करते हैं जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और इस गेम में ओजी ने टोटल कितने किल्स किए ये कमेंट करके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Ladies and gentlemen, welcome back again to Lithium Esports Present Ultimate Showdown Season 2 with the match number 3, Free Fire Max India है ये game, and well definitely कालाहारी का map एक बार फिर से कितना beautiful, दूसरी तरफ हमारे सामने आ चुके हैं टीम ऑरंगटन। चारों प्लेयर इस बार अलाइव हैं, एक अच्छी पोजीशन इनके पास रहेगी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से रिफाइनरी का जो एरिया है उसको लूट भी टीम कर चुकी है। दैट मींस अब अप्रोच करेगी, कोशिश करेगी कि जितना ज्यादा हो सके टीम फाइट्स में ही एंगेज करें, बिकॉज अगर थोड़ा भी स्प्लिट हुए तो जो बाकी की टीमें हैं वो मौका नहीं छोड़ेंगी। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन मिस्टेक। आप एक गलती करेंगे एंड आपको दबोच लिया जाएगा। सेम गोज फॉर देम एज वेल, इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी टीम एक छोटी सी गलती करे एंड उसको दबोच लिया जाए। अ फ्यू इंचेस लेटर नाहान एक बहुत शानदार प्लेयर उभरते हुए सितारे भारत के, एंड कहीं ना कहीं ये प्लेयर आगे चल के बहुत तगड़ा काम करने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने एक रुतबा देखा, जो एग्रेशन देखा लहान का, वाकई मजा आ रहा है। पहले दिन भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बट somehow टीम का यहाँ पर थोड़ा सा यू नो कवर। बट इसी के साथ ही MSPG ये क्या कर दिया अपनी टीम ओजी को, कुछ और चंद किल्स उनके खाते मिलते हैं और अंकिता रुकनी का नाम नहीं ले रहे। RDP यहाँ पर नॉकआउट हो जरूर चुके हैं। छठा सर्कल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा, बट उसके पहले पांचवा सर्कल तो बच जाए। कि देखिए सर्कल जिस हिसाब से बना हुआ है, टीम ओजी के दो प्लेयर्स अंदर हैं, दो प्लेयर्स बाहर हैं, एंड वहां पर किसी भी हालत में अलाउ नहीं करेगी टीम बहुत सफिशियंट उनको एंट्री लेने के लिए। बट टीम पीवीएस गेमिंग भी खत्म होती, टीम पीवीएस गेमिंग को पारा अब बदलना पड़ेगा। दो मैच में कंटिन्यूसली डिफेंस पे पूरी तरीके से फोकस थे, कहीं ना कहीं होल्ड करने पे फोकस कर रहे थे, वो उनके बिल्कुल अहित में गया है, एंड दो बार एलिमेंट हो चुके हैं जल्दी पूरे गेम के अंदर। बट तनेजा M79 के साथ तैयार है, वो बेहतरीन ग्रेनेड लॉन्चर, बैक टू बैक फायर। अब तनेजा को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने देखा है इस प्लेयर को, खौफनाक चेहरा, वो रुद्र रूप। जब तनेजा के पास ये M79 वेपन आ जाता है, इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली स्लो हिम डाउन। डेफिनेटली, एंड उस चीज को हम एक बार फिर से देख भी रहे हैं, बिकॉज 5 kills एज अ सोलो प्लेयर वो कर चुके हैं, एज अ टीम ऑरंगटन 9 kills। लेकिन अभी के लिए बारी है जय की। जय अपने आप को प्रूव करेंगे एक 1v1 फाइट में, अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से भी। तो अगर आप टीम बॉस की बात करें, वो अपने कुछ प्लेयर्स को गवा चुके हैं। दूसरी तरफ तनेजा भी एक प्लेयर को डाउन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सो यप, माफिया उनको नॉकआउट करेंगे, लेकिन अब क्या माफिया वाला यहां से निकलने में कामयाब होंगे, क्योंकि पोजीशन की आप बात कर लीजिए तो अब इनको फाइट लेना पड़ेगी। ग्लू वॉल्स का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, सर्कल पीछे से कवर अप करने वाला है, तो इतनी सारी चीजों का इनको ध्यान रखना है कि एक जगह से भी नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। क्या शानदार दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सोच रहे हैं माफिया वाला। देखिए किस प्रकार से केओ सिचुएशन से निकले, इंस्टेंट सर्कल के बाहर गए, ग्लू वॉल्स का प्रयोग किया, जिनको पूरी तरीके से चेज करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर वेट करेंगे। माफिया वाला इज गोइंग फॉर दैट एंगल, ग्राफिक गन का फिर से इस्तेमाल, फिर से बाहर जाना मेरे हिसाब से एक सही मूव नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं छठा सर्कल बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग डैमेज देता है। जय ने एक किल निकाला, अलहान को खत्म कराया है, ज्ञान और दिक्कतों में बस लिखे डिलीट। माफिया तीनों को रिवाइवल देते हैं, माफिया वाला व्हाट अ क्रेजी, ये करने वाले हैं माफिया वाला एसएसएल स्टेज। आरडीपी को वहां पर कहीं ना कहीं राज द्वारा कंटेस्टेड टॉस करा जा रहे हैं, टेक डाउन करने की कोशिश, बट टीम ओजी अभी तक सरवाइव करती हुई, राज दिक्कतों में, साइड का इस्तेमाल, बट टेक डाउन किए जाएंगे क्लच गॉड द्वारा। एंड यहां पर बात करूंगा ज्ञान गेमिंग की टीम भी एलिमिनेट होती हुई, 4v3 का सिचुएशन, 3 नए प्लेयर्स विद दैट पिस्टल, टीम ओजी के लिए मोया कंफर्म है, बट देखते हैं क्या इतनी आसानी से ले जाएंगे। डिलीट कुछ बराबर करा गया पिस्टल द्वारा, 30 HP पे छोड़ा है, खत्म करा जाएगा तो माफिया को, एंड टीम ओरंगटन ले जाती हुई ये मोया ऑफ द डे 8 फ्रीकिंग किल्स के साथ। ओ बॉय व्हाट अ डे, व्हाट अ डे हैज बीन। Yo, Parrish, this shit high, boy.